अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके पास इनमें से कोई भी करेंसी मौजूद है, आप उसे किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो अपने मुल्क की लोकल करेंसी है उसको किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं और उसके रेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम करेंसी के एक्सचेंज रेट के बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमारे पास US डॉलर मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करेंसी है ये। 100 का नोट है, इसका वाइट कलर में भी नोट होता है जो कि बंद होने वाला है। इसके एक्सचेंज रेट के बारे में बात करें तो आज पाकिस्तान में एक US डॉलर खरीद किया जा रहा है 153.90, 153.90 रुपये में एक US डॉलर खरीद किया जा रहा है। लास्ट टाइम जो इसका रेट था उसमें तकरीबन 40 पैसे का इजाफा हुआ है, US डॉलर की मार्केट में इजाफा हुआ है, इसी वजह से तमाम करेंसीज के रेट में इजाफा देखने को मिला है। तो नाज़रीन, उसके बाद हम बात करते हैं सऊदी रियाल के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 500 सऊदी रियाल का नोट मौजूद है। अगर इसके रेट के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में बात करें तो आज पाकिस्तान की ओपन मार्केट में यानी कि एक्सचेंज कंपनीज वाले सऊदी रियाल खरीद कर रहे हैं 40.85 रुपये में, 40.85 में एक सऊदी रियाल खरीद किया जा रहा है एक्सचेंज कंपनीज में। इसी तरह अगर आपके पास मजीद जो है कोई भी करेंसी मौजूद है, US डॉलर मौजूद हैं, सऊदी रियाल मौजूद हैं, आप इसको मल्टीप्लाई इसी रेट को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब इमारात की करेंसी दिरहम के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 500 दिरहम का नोट हमारे पास मौजूद है। तो अगर बात करें एक दिरहम के एक्सचेंज रेट की, तो एक दिरहम एक्सचेंज कंपनीज वाले खरीद कर रहे हैं 41.90 रुपये में, 41.90 में एक यूनाइटेड अरब इमारात दिरहम खरीद किया जा रहा है एक्सचेंज कंपनीज में। तमाम एक्सचेंज कंपनीज का जो रेट होता है स्टेट बैंक की तरफ से तो वो अलाउ होता है सेम, लेकिन कुछ एक्सचेंज कंपनीज सिटी वाइज जो है वो कम रेट में खरीद कर रही होती हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप किसी भी एक्सचेंज कंपनी में विजिट करके एक्सचेंज रेट ले सकते हैं। ये जस्ट आइडियाज़ होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं, दिरहम की बात कर ली, कुवैत की करेंसी के बारे में हम बात करते हैं जो कि हाईएस्ट करेंसी भी है तमाम ममालिक में। सबसे ज़्यादा जो रेट पाया जाता है वो कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार, उमानी रियाल, इस तरह डिवाइड होता रहता है। सबसे ज़्यादा जो रेट है वो है कुवैती दिनार का। इस टाइम जो पाकिस्तान में इसका एक्सचेंज रेट चल रहा है एक कुवैती दिनार का, वो है 501.50 रुपये, 501.50, 501.50 रुपये में एक कुवैती दिनार पाकिस्तान की एक्सचेंज कंपनीज में खरीद किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो था तमाम करेंसीज का खरीद रेट, अब हम बात कर लेते हैं इसका फरोख्त रेट क्या है। तो नाजरीन, स्टेट बैंक की तरफ से 1% प्रॉफिट अलाउ होता है इन तमाम करेंसीज पर। अगर आपसे कोई भी एक्सचेंज कंपनी वाला ज़्यादा रेट चार्ज करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। इस टाइम स्टेट बैंक की तरफ से 1% जो है वो अलाउ है। तो नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, डेली की करेंसी अपडेट हासिल करना चाहते हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन करेंसी रेट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।